सोचा है कि कहाँ सेटल होंगे कैसा घर होगा कहाँ होगा किस तरह का माहौल होगा लाइफस्टाइल कैसा होगा आज के रीडिंग में इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे भाटिया वेलकम टू माय चैनल आज के पी का रीडिंग है वेयर विल यू सेटल आपका होम कैसा होगा आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा आपका माहौल कैसा होगा कहाँ सेटल होने वाले हो आप किस तरह की जगह में किस तरह की सराउंडिंग्स में यू गोइंग टू सेटल डाउन एंड मोर मोर मैसेजेस एंड आज की रीडिंग का जो स्पेशल एलिमेंट है वो है चार्म सो आई एम सो एक्साइटेड और मैंने अभी रिसेंटली चार्म किए हैं सो इट इज़ गोइंग टू बी सुपरफन नाउ इस रीडिंग के लिए वी हैव थ्री पाइल्स पाइल वन इज़ कार्नेलियन पाइल टू इज ग्रीन एडवेंचुर एंड पाइल थ्री इज थवाड्स तीनों पाइल्स में से तीनों स्टोन्स में से कोई भी एक पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं पाइल सिलेक्शन के लिए आगे क्लिप दिया हुआ है जहाँ पे आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं पाइल सेलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प दिए हैं स्किप द वीडियो टू यर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग हो सकता है आपको एक से ज़्यादा पाइल ड्रॉ करें अपनी तरफ तो ज़रूर आप दोनों भी देख सकते हैं क्योंकि हो सकता है उन दोनों का एक मिक्स्ड यू नो लाइफ या मिक्स्ड सेटलमेंट आपके लिए हो उन दोनों के मैसेजेस आपके लिए हो, और स्पेशली अगर दोनों में से कोई दोनों में कोई कॉमन मैसेजेस आते हैं तो तो बिल्कुल बिल्कुल आप उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा एंड टेक वॉट रेजोनेट्स एंड इस रीडिंग के लिए मैंने ये वाला डेक यूज़ किया है मतलब और भी डेक्स हैं बट दिस डेक इज रियली रियली क्लोज़ टू माई हार्ट क्योंकि ये मेरा फर्स्ट और डेक है एंड uh, मैंने बहुत टाइम से ये यूज़ नहीं किया एंड यू नो लिटरली ये फर्स्ट है और यू कैन सी ये लिटरली फटा भी हुआ है यहाँ से थोड़ा सा uh, तो यू कैन इमेजिन इट्स अब और तब मेरी संभाल भी इतनी अच्छी नहीं थी जो कि अब थोड़ी बेहतर हो गई है एंड आई जस्ट यू नो रियलाइज एकदम से मैंने देख खोलाने रियलाइज कि इतना खूबसूरत डेक है ये इतना खूबसूरत डेक है आई विल डेफिनेटली मैंशन द फुल नेम एंड द ऑथर बिलो बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू बाय यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस डेक मतलब इट इज इज नॉट अ पेड प्रमोशन बट वेरी हार्ट फेल्ट वेरी हार्ट फेल्ट सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ई मेल आई डी और माई इंस्टाग्राम पेज एंड प्लीज़ डू फॉलो इन इंस्टाग्राम क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम मैं काफ़ी पोस्ट शेयर करती हूँ काफ़ी इंसाइट शेयर करती हूँ एंड इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जिस पर हम थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर सकें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टूडेज रीडिंग पायल वन जिन्होंने भी चुना है द कार्नेलियन लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सो फर्स्ट वी विल सी फ्रॉम द कि क्या इन आ रहे हैं व्हाट इज द ओवरव्यू कि आपका यू नो वेयर विल यू सेटल सो वी हैव द फोर ऑफ वी हैव क्वीन ऑफ टेम्परेंस एंड पेज ऑफ ऑफ फायर एनर्जी आप में से काफ़ी लोग uh, एरीज लियो सेजिटेड हो सकते हैं सनमून राइजिंग काफ़ी लोग चेमनाइज भी हो सकते हैं वेरी मच पॉसिबल आई ऑल्सो सी दैट कि विद ऑफ वांस डेफिनेटली सेटल आप हो जाएंगे इन लाइफ वेरी वेरी स्टेबल स्टेबल सेटल्ड हैप्पी एनर्जी आई ऑल्सो सी यू नो विद क्वीन ऑफ वान्स कि थोड़ा ग्रैंड एनर्जी है थोड़ा आई फील कि यू आर द काइंड ऑफ पीपल जो एक यू नो थोड़ा किंग साइज जिन्हें में बिलीव करते हो ऑल्सो विद द टेम्परेंस आई फील दैट एक मीडिएशन भी आ रहा है उसमें कि मीडिएशन का मतलब ये है कि इट्स नॉट एक्सट्रीमली ग्रेंड बट अपने तरीके से ग्रैंड ठीक है विद द टेम्परेंस आई ऑल्सो फील दैट कि आप में से बहुत लोग यू नो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर सेटल होंगे लाइक like आप जहाँ अभी हो वहाँ से अलग जगह पर सेटल होंगे और फाइनली सेटल होने से पहले ना आपके आप हो सकते थोड़ा एक्सपेरिमेंटेटिव रहो विध योर सेटलमेंट या फिर विद योर चॉइस आई ऑल्सो सी दैट कि सेटलमेंट के लिए आप बहुत पेशेंस रखोगे ठीक है आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मैं बहुत जल्दबाजी करूं हालांकि द स्पीड इज नॉट वेरी स्लो आई वुड से बट आपकी एनर्जी इज वेरी पेशेंट क्योंकि आपका ऐसा है कि आपके शायद ऐसी सोच है कि एक बारी हो बट बार ढंग से हो ठीक है अच्छे तरीके से हो सो यू विल टेक योर टाइम इन फाइनलाइजिंग द प्लेस द होम द एनवायरमेंट एंड द एनवायरमेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी हारमोनियस वेरी वेरी हारमोनियस एनर्जी आप जहाँ भी सेटल हो गए द एनर्जी इज़ वेरी हारमोनीयस बहुत यू uh, नो you know, बहुत पीस है बहुत एक हेल्दी लाइफ स्टाइल एनर्जी है ठीक है एंड आई ऑल्सो सी दैट कि आपका लाइफ काफ़ी फील अ वेरी सोशलाइजिंग एनर्जी क्योंकि पेज ऑफ सॉ एंड ऑफ एंड पे कोई हैम एंड गैदरिंग यू वेरी वॉम एंडलकमिंग टू पीपल तो बहुत सोशलाइजिंग टाइप ऑफ एनर्जी है लेकिन टेम्पर you know, बीच में आकर हर एक चीज को ना मोडरेट कर रहा है कि एक्सट्रीम नहीं है कि एक्सट्रीम ऑफ सोशलाइजिंग भी नहीं है लेकिन इट्स मोर सोशल एंड फ्रेंडली एंड आउट गोइंग आउट गोइंग एनर्जी आई ओल फील आप में से काफ़ी लोग अपने यू नो लाइफ को इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रखोगे सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रखोगे एंड Uh, क्योंकि आपका है क्वीन ऑफ वॉर्न एंड पेज ऑफ शोर्ट एनर्जी एंड और लॉट ऑफ पीपल बहुत लोग इंटरेस्टेड भी रहेंगे ये जानने में कि आप कहाँ सेटल हो आपके लाइफ में क्या चल रहा है आप डेली रूटीन में क्या कर रहे हो आप में से या तो काफ़ी लोग हो सकता है इन्फ्लुएंसर्स ही हो नहीं भी हो तो बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी है आपको लेकर या एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई ऑल्सो सी लेकिन आपके स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई रहेंगे अबाउट योर लाइफ स्टाइल अबाउट योर सेटलमेंट एंड यू वॉन्टिड टू बी ग्रैंड बेसिकली यू वॉन्टिड टू बी कि यू नो दिखाने लाइक दिखाने लाइक एंड हो सकता है आप थोड़ा शो ऑफ भी करो यू नो बट इट्स नॉट लाइक अ सेट अगेन द सेम एस नॉट वेरी एक्सट्रीम बट थोड़ा बहुत शो ऑफ रहेगा ठीक है एंड लाइक यू विल बी प्राउड ऑफ इट यू विल बी प्राउड ऑफ इट कि मेरा घर मेरी सराउंडिंग्स मेरा लाइफ स्टाइल इस तरह करके ठीक nice. uh, uh, है वेरी नाइस एंड आई डेफिनेटली सी नेचर नेचर एनर्जी है विद द टेम्परें कि और मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना अपनी सराउंडिंग्स को काफ़ी साफ सुथरा रखोगे आई वुड आई वुड वु से ऑर्गेनाइज बट मुझे साफ़ सुथरी एक क्लीन हाइजीनिक हाइजीनिक इज़ द वर्ड हाइजीनिक एनर्जी नज़र आ रही है ठीक है एंड इट वॉज ऑल्सो शोइंग मी कि आप लोग हो सकता है बिफोर यू सेटल डाउन जैसे कि मैंने कहा ना आपके पास काफ़ी ऑप्शन रहेंगे सो यूल डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड यू नो अलग अलग ऑप्शन के बारे में आप पढ़ोगे रिसर्च करोगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे बिफोर यू फाइनलाइज कि हाँ दिस इज़ दिस इज़ वेर आई एम गोइंग टू सेटल येस वो भी है बट इट अ टेम्परिटली दर इज लॉट ऑफ ब्लेसिंग थ्रू दर इज लॉट ऑफ गाइडेंस कमिंग थ्रू फॉर यू ठीक है अबाउट योर सेटलमेंट वेरी इंटरेस्टिंग आई ऑल्सो सी दैट अ लॉट ऑफ यू गायस विल भी यू नो सेट विद विद और अराउंड योर कम्युनिटी आई मीन कुछ लोग ऐसा हो सकता है डिफरेंट प्लेस दैन योर एक्चुअल बर्थ प्लेस और यू नो नेटिव प्लेस लेकिन फिर भी आपकी सोशलाइजिंग एनर्जी तो आपके आसपास आपके कम्युनिटी के लोग बिल्कुल होंगे ठीक है तो आपका जैसे घर में आना जाना लगा रहेगा लोगों से मिलना जुलना लगा रहेगा तो ऐसा आपका एनवायरनमेंट रहेगा और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने घर में हो सकता है काफ़ी स्परिचुअल प्रैक्टिस भी करो टू मेनटेन द बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी स्परिचुअल प्रैक्टिस आई डो नॉट पर्टिकुलरली सी पूजा पाठ बट यू नो स्परिचुअल प्रैक्टिस सच्चा क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ट्स और टेम्परेंस है तो so, जैसे यू नो लाइटिंग अरोमास एंड धूप अगरबत्ती करना क्लेंजिंग करते रहना ताकि घर के एनर्जीज बैलेंस रहे यू you नो know, उस टाइप का एक ओरिएंटेशन आपका रहेगा एंड वो आपके लिए वर्क भी काफ़ी करेगा शायद इसलिए लोगों को आपके घर में आना भी पसंद रहेगा क्योंकि उनको आपके घर की वाइब बहुत अच्छी लगेगी बहुत पॉजिटिविटी लगेगी बहुत हारमोनी एंड बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी या मेक सेंस बट मुझे ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि जहाँ आप यू नो यूर अ सोशल पर्सन आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव भी रहोगे अपने एनवायरनमेंट को लेकर तभी आप इतना क्लेंजिंग ये सब कुछ कर रहे हो ठीक है एंड आपको पता होगा कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव देयर आइज ऑन यू अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव देयर आइज ऑन यू ठीक है मतलब बहुत लोग ना देख रहे हैं देख रहे हैं आपको ठीक है देर वेरी क्यूरियस एंड देयर उनको पता नहीं uh, बहुत चर्चा में हो आप बहुत चर्चा में रहने वाले हो आप ठीक है बट आप कहीं ना कहीं आपको अपना प्रोटेक्शन करना आता है आप ऐसे कहीं लोग यू नो यू कुड इवन यूज़

एनर्जी so वो क्वीन ऑफ एंड फोर ऑफ वन से भी ना बहुत वाइब्रेंट एनर्जी आ रही सच like, आपका घर का एनर्जी इतना पावरफुल है आपका यू you नो know, आपका सराउंडिंग्स का एनर्जी इतना पावरफुल इतना ब्राइट इतना वाइब्रेंट है कान यू एंड यहाँ पे गोल्डन टेम्पल बना हुआ है उसके गले में उसने ओम पहना हुआ है ठीक है स्परिचुअल ग्रोथ का कार्ड है द एन्वायरमेंट ऑफ़ योर हाउस इज गोइंग टू बी वेरी स्परिचुअल ठीक है पहले मैंने बोला पहले मुझे लगा कि सिर्फ स्परिचुअल है बट रिलीजियस भी है लाइक यू नो लाइक यू कूड लिटली हैव अ मतलब यू नो घर में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एन्वायरमेंट होगा एंड उस वजह से काफ़ी पॉजिटिविटी भी रहेगी आपके घर में वी हैव द पी काक लिटल हेयर विच शोज़ ब्यूटी इट विल बी ब्यूटिफुल एंड रियली कलरफुल स्टफ आई मीन ठीक है एंड जैसे यहाँ पर एलिफेंट्स वगैरह बने हुए तो इट्स इट्स लाइक इट्स ग्रैंड इट्स वेरी ग्रैंड एंड इट्स सो कलरफुल जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि कलरफुल बेड शीट्स हैं सोफाज आर ऑल्सो कलरफुल द कर्टनज आर कलरफुल लाइक द होल फर्नीचर इज़ वेरी कलरफुल कलरफुल डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन वेरी वेरी प्रिटी इट्स ऑलमोस्ट लाइक रेनबो एनर्जी एंड आई ऑल्सो सी दैट कि न्यू लाइफ तो अभी आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका घर नहीं रहेगा देर विल बी न्यू होम दैट यू विल बी सेटलिंग इन ठीक है और न्यू बिगिनिंग से मुझे भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं चेंजेस भी करते रहोगे अपने घर में या वो टेम्परेंस के नीचे ही आए बिगिनिंग तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन हिट एंड ट्रायल्स यू विल कीप डूइंग इन योर हाउस ठीक है और वो शायद उस वजह से भी आपकी एनर्जी ना बार बार रिजुविनेट होती रहेगी घर की क्योंकि आप चेंजेस लाते हो सामान लाते हो तो इट कीप्स चेंजिंग यहाँ पे लिटरली एक्चुअली लक्ष्मी जी बनी हुई है उनके हाथ से वेल्थ गिर रही है

घर में हमेशा आप एक सलीके में बल्कि ग्लैम्ड ही नज़र आओगे एट होम ऑलवेज यस मुझे सब भी लगता है कि आपके घर में बहुत सारे शो पीसेज होंगे लाइक लॉट ऑफ शो पीसेस और इवन फ्लावर्स कलरफुल फ्लावर्स बिकॉज या दैट इज़ अ वेरी स्ट्रांग वाइफ एंड आई ऑल्सो सी दैट कि आप लोग विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर हाउस यस कई लोग हैं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कोड बी रियली इनटू द जयपुरी राजस्थानी स्टफ यू नो जैसे uh, राजस्थानी पेंटिंग्स आती हैं वो हाथी के वो आते हैं जो कलरफुली पेंटेड होते हैं यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉट उस टाइप का स्टफ या वो जयपुरी बेड शीट्स टाइप ऑफ स्टफ लाइक यू कुड रियली बी इन टू दैट ठीक है या फिर समथिंग रियली गोल्डनिश पार्कली स्टफ आइदर but definitely जो भी है बहुत वाइब्रेंट है बहुत कलरफुल है कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो घर हो ना like उसके आस पास कोई रिलीजियस प्लेस हो लाइक गुरुद्वारा और टेम्पल और चर्च इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके घर के आस पास ही कोई ऐसा रिलीजियस प्लेस हो प्रॉक्सीमिटी में या सच स्ट्रॉन्ग स्परिचुअल वाइव ना फ्रॉम योर कार्ड्स एंड फॉर सम कई लोगों के घर के पास कोई वाटर बॉडी भी हो सकती है इट टू लाइक अ पॉन्ड और अ लेक और अ रिवर ठीक है आइदर सी भी हो सकता है ऑफकोर्स सी भी हो सकता है बट अ वाटर बॉडी इज नियर

काफ़ी ज़्यादा uh, अपना लाइक आई सेड बहुत हाइजीनिक रखते हो बहुत क्लीन रखते हो अपने स्पेस को कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना खुद का सब्जियाँ उगा के खा रहे हैं ठीक है एंड वेर एवर यू विल सेटल आई फील द एनवायरमेंट विल बी रियली नाइस एंड द फूड विल बी रियली नाइस ठीक है विद डाइजेस्ट एनर्जी हेल्दी एंड नाइस मतलब आई वोंट से लाइक जंक फूड मिल रहा है बहुत टेस्टी आई फील नाइस एज एन हेल्दी समथिंग विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ ऑल राइट या फिर यू कुड या फिर हो सकता है आप ही इन टू ऑर्गेनिक लिविंग हो ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए बट या वेरी हेल्दी वेरी हेल्दी एनर्जी से ये भी लगता है कि जैसे घर की एनर्जी इज़ वेरी हेल्दी वेरी पॉजिटिव आपके सराउंडिंग आर वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव एंड ग्रीनरी है वहाँ पर ग्रीनरी है लाइक यू कैन सी द एन्वायरमेंट नेचर नेचर से कनेक्ट कर सकते हो yes. so आप वहाँ पर यस, सो इट्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्दी एनर्जी एंड आप लोगों का रूटीन भी काफ़ी सेट होगा काफ़ी ऑर्गेनाइज होगा वेरी नाइस ट्रस्ट द निगल मुझे यहाँ पे से लग रहा है कि यू नो यू गाइज विल बी वेरी यू हैव वेरी साइकिक टाइप ऑफ एनर्जी तो आप लोग अपने घर की चॉइस को भी लेकर काफ़ी यू you नो know, साइकिक रहोगे और घर की चॉइस को ही नहीं लेकर बल्कि जहाँ भी आपने सेटल होना है यू you नो know, उस डिसीजन को लेकर आप काफ़ी uh, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे और कहीं ना कहीं आई डेफिनेटली सी दैट यू विल बी इनटू प्रोटेक्शन एंड यू शुड बी आल्सो क्योंकि ये भी मैसेज है दैट यू शुड बी बिकॉज यू नो देर इज देर आर सम पीपल जो हो सकता है आपके घर में या आपकी लाइफ में यू नो इंट्रूड करने की इंटरफेयर करने की कोशिश करें तो यू नीड टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम क्योंकि आप चाहे मतलब हो सकता है आप शो ऑफ वाले पर्सन नहीं भी हो बट फिर भी लोग ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं आपको तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप यू you नो know, एक अपने इंस्टिंग को ट्रस्ट करो विथ हु कि किसको आपको अलाउ करना है अपने स्पेस में और किसको आपको अलाउ नहीं करना है आई ऑल्सो फील दैट कि आप अपने घर में जैसे जो चेंजेस वगैरह भी करते हो वो भी आप इस निगल निगल मतलब एक अंदर जैसे एक फीलिंग आती है कि नहीं ये ना ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए इट शुड बी समवेयर एल्स ये यहाँ तंग कर रही है मुझे ठीक है कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है यू वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू नो कि ये चीज़ यही होनी चाहिए ये ऐसे ही रखा होना चाहिए वो वैसे ही रखा होना चाहिए तो वो वाली फीलिंग भी हो सकती है बट uh, गोइंग इन टूर अ डीपर मीनिंग ऑफ ट्रस्ट द निगल उसमें यही है कि कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ सही नहीं जा रही होती है तो आपको एक फीलिंग आ जाती है एंड यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट बिकॉज इट इज़ राइट और वो निगल यूजुअली इट्स वार्निंग सिग्नल ठीक है एक तो होती है इन कि हाँ हमें ब्लेसिंग नजर आ रही है या क्या होने वाला जनरल नज़र आ रहा है बट निगल इज टॉकिंग अबाउट इट्स वार्निंग यू बिकॉज आपको है वो यू नो सेंस वो एबिलिटी कि यू कैन सेंस द प्रोटेक्टिव हो आप ठीक है यू और प्रोटेक्टोर नाव लेट्स मूव ऑन टू योर चाम्स पाइल वन लेट सी कि आपके लिए काम्स क्या कह रहे हैं सो वेयर विल पाइल वन सेटल ओके सो वी हैव द कैमरा डेफिनेटली सोशल मीडिया एनर्जी है सो यूल बी पोस्टिंग आप काफ़ी पिक्चर्स पोस्ट करोगे अपने लाइफ स्टाइल की इन द फ्यूचर एंड वी सी एन एंकर एंड द व्हील सो वॉटर बॉडी एनर्जी है यहाँ पर कि यू कैन यू नो ट्रैवल बाय बोट और शिप वहाँ पर बहुत चांसेस हैं एंड वी ऑल्सो हैव अ बिग की So you, आपके घर का एक बिग डोर रह सकता है यहाँ पर ट्रैवल भी नज़र आ रहा है सो so आप में से काफ़ी लोग वेल सेटल जहाँ पर यू नो इट इज डिस्टेंस पे है दूर है एंड वी ऑल्सो हैव म्यूजिक एनर्जी सो आई एम सींग सेलिब्रेशन का वाइब है काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी स्ट्रांग मुझे uh, यहाँ पे कोकोनट ट्री भी है तो इट कुड शो लाइक कोस्टल एनर्जी कि आप नियर द कोस्ट सेटल्ड हो ठीक है एंड वी ऑल्सो हैव इज दिस अबाउट द हैंड ओके यस हैंड से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू नो देर विल बी पीपल अराउंड यू जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे विद योर सेटलमेंट एंड वी ऑल्सो हैव आउल्स विथ शोज इन वी हैव टू सन्स टू सन्स का मतलब ये कि जहाँ भी आप सेटल हो गए वहाँ पर थोड़ा समर समर लाइक -like वेदर होगा इट वट बी हॉट मतलब इट बी कोल्ड इट वी बिट हॉट ठीक है सनी वेदर ज़्यादा रहेगा वहाँ पर एंड इट्स अ हैप्पी वाइफ इट्स अ हैप्पी एनर्जी येस एंड वी ऑल्सो हैव वी ऑफ फॉर्चून आई फील दैट कि जो आपका घर होगा वो आपकी लाइफ में बहुत लक भी लेकर आएगा वी ऑल्सो है बर्ड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इट देर विल बी अ गुड एनवायरमेंट जहाँ पर आप सेटल हो गए ठीक है एंड एस एटलीस्ट यू विल ट्राई टू यू नो कीप इट वेल मेंटेन्ड मेंटेनेंस आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी काफ़ी अच्छी विद योर हाउस यस सो इट मीज ए मोर चांस ओके मोर की आई डेफिनेटली फील कि आपने घर में ना फ्लावर्स फ्लावर्स बहुत रखोगे या मेड विद लव वी हैव अ मैसेज मेड विद लव हाउ नाइस सो आप जो भी अपने सराउंडिंग्स में रखोगे अपनी चॉइसेस इट विल ऑल बी आउट ऑफ लव ठीक है ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो सारे डिसीजन आपके बहुत हार्ट फेल्ट रहेंगे कि जहाँ पर आपका दिल बैठेगा जहाँ पे आपका मन बैठेगा ना वो निगल <laughs> वहाँ पर आप सेटल होगे वरना जब तक आपको वो सेटलमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी ना मन नहीं बैठेगा तब तक आप सेटल नहीं होगे गए तब भी आप थोड़ा सा ना अपना इंफॉर्मेशन गैदर करोगे पता करोगे फिर कहीं जा फिर डिसीजन लोगे अबाउट सेटलमेंट बट एट द एंड ऑफ यू विल बी हैप्पी विद इट एंड काफ़ी प्राउड काफी प्राउड ऑफ इट येस आई ऑल्सो सी बर्ड्स सो बर्ड्स से मुझे लिटरली लग रहा है कि यू नो अट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट <laughs> ये तो पता नहीं कौन लोग हैं लाइक like, ये आप ही जानते हो कौन लोग हैं ये जो इतनी बातें कर रहे हैं जैकि वी ऑल्सो हैव बिग बिग लीव्स और ट्रीज भी हैं ये कोई भी प्लांटिंग प्लांट्स वगैरह रहेंगे आपके आस पास वेरी नाइस या बट डेफिनेटली द एनर्जी इज क्वाइट ग्रैंड आई वुड से एक्सपेंसिव स्टफ मुझे दिख रहा है पर्ल्स एंड एवरी थिंग एक्सपेंसिव स्टफ दिख रहा है या वेरी इंटरेस्टिंग पायल वन तो दैट वॉज फॉर यू आई होप दिस रीडिंग हेल्प रेजोनेट हुए आपके साथ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हम मिलेंगे न्यू वीडियो लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू बाय जो भी चुना है द ग्रीन एडवेंचर इन लेट्स सी की आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सो सबसे पहले हम देखेंगे कि टैरो से क्या मैसेजेस हैं सो वी हैव द किंग ऑफ वॉर्न सिक्स ऑफ पेंटिकल्स द वर्ल्ड एंड द हैंगमैन वाओ पिछली फाइल में क्वीन ऑफ वॉर्नस था इस फाइल में किंग ऑफ वार्नस है सो फर्स्ट मैसेज द वर्ल्ड आप अब्रॉड सेटल हो गए ठीक है एंड अब्रॉड में बी विद देंग मैन आई फील दैट ऐसी जगह पे जहाँ पे कल्चर एकदम अलग है लाइक इट्स नॉट इवन लाइक इंडिया टू दुबई क्योंकि दुबई में फिर भी काफ़ी इंडियंस हैं मतलब अ प्लेस वेयर आपको अपनी कम्युनिटी कम मिलेगी ठीक है मतलब विच एवर कम्युनिटी वी बिलोंग टू ठीक है जस्ट एग्जांपल एग्जाम्पल बट टोटली डिफरेंट टोटली फ्लिप मतलब इट्स नॉट लाइक कि वहाँ पे इंडियंस कम होंगे या आपके कम्युनिटी के लोग होंगे या नहीं होंगे बट जो भी होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा फ्रॉम एज़ कम्पेयर टू जो आप जिसमें आप पले बड़े हो ठीक है एंड आई ऑल्सो सी दैट कि आप डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पे वो किंग ऑफ वन के पीछे लिटरली डिज़र्ट बना हुआ है डिजर्टेड कोई नहीं है बस एक शेर है वहाँ पर ठीक है सो ऐसा जगह हो सकती है जहाँ पर काफ़ी आइसोलेशन हो बहुत कम लोग हैं पॉपुलेशन ही कम है या फिर जो लोग हैं भी तो आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते आप उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते लाइक टोटली एक आइसोलेटेड अलग टाइप की एनर्जी है हालांकि विद द वर्ल्ड एनर्जी यू आर फुलफिल्ड आप खुश हो एंड किंग ऑफ वॉन्ट शोज कि आपका लाइफस्टाइल काफी अपग्रेड हो जाएगा काफी अपडेटेड रहेगा और काफी uh, हाई फाय रहेगा ठीक है विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स पेंटिकल कि आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उस चीज़ में अपने लाइफ में जहाँ पर भी आप सेटल हो गया वहाँ पर काफ़ी इन्वेस्ट करोगे बट द मनी फ्लो इज़ रियली गुड काफ़ी अच्छा आपके आपके इन्वेस्टमेंट के आपको फुल रिजल्ट मिलेंगे इट विल बी टोटली वर्थ इट एंड आपका फाइनेंशियल जो आ, फ्लो है वो बहुत अच्छा रहेगा इनकम फ्लो बहुत अच्छा रहेगा एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी सैटिस्फाइड रहोगे ठीक है इट्स नॉट लाइक यू वुल बी स्पेंडिंग टू मच बट जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स आई थिंक इन्वेस्टमेंट वाले इट्स नॉट अबाउट स्पेंडिंग इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट ठीक है क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक वट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड कि आपको उसके रिजल्ट पूरे पूरे रिजल्ट मिलेंगे ठीक है वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन दिखा रहा है तो आपको अपना जहान मुकम्मल लगेगा एंड बट वर्ल्ड डेफिनेटली एंड हैंगमैन शोज़ कि काफ़ी वेट के बाद वो सेटलमेंट आएगी कई लोगों के लिए दैट विल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू गेट सेटल्ड या फिर अगर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है विथ सकम फॉर सेटलमेंट ठीक है क्योंकि हो सकता है वो कई लोगों में ना वो फ्लेक्सिबिलिटी वो अडेप्टबिलिटी आने में टाइम लगे ठीक है अगर आप जितने आप अडेप्टेबल हो उतना आपके लिए सेटलमेंट आसान हो जाएगी राइट बट एंड ऑफ द डे यू आर कंप्लीट क्योंकि हैंगमैन में भी यू नो देर स्पाइसिस एनर्जी विच इज़ लाइक कंप्लीट एंड ऑफ द साइकिल एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो लाइक फुल इन्फिनिटी सो इट्स दे इज अ वेरी कंप्लीशन कंप्लीशन एनर्जी थ्रू द कार्ड्स आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं आपकी सोच भी ना वैसे भी काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द पीपल दैट यूर अराउंड तो इसीलिए आपको यूनिवर्स कहीं और ही भेज रहा है ठीक है ऐसे जगह पर जहाँ पे आपकी सोच जो है वो उसको अप्रिशिएट किया जाता है एक्नॉलेज किया जाता है ठीक है यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि आप शायद जहाँ पर आप यू आप, नो uh, you know, पले बड़े हो या जहाँ पर आप पहले हमेशा से रहे हो ठीक है लाइफ में इनिशियली वहाँ पर आपकी सोच आपके आसपास के लोगों से बहुत अलग रही तभी आप एक यू you नो know, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग शायद ना आया हो आपको जो कि आपको लेटर इन लाइफ आ जाएगा चाहे आपकी लोगों से इंटरेक्शन कम ही रहेगा क्योंकि शायद आपका हमेशा से ही कम रहा बिकॉज आपकी थिंकिंग इतनी अलग रही है बट आप अपने आप में काफ़ी सैटिस्फाइड और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे एटमोसफेयर टेम्परेचर थोड़ा मुझे हॉट ही लग रहा है गर्मी वाली जगह हो सकती है कहीं लोगों के लिए पता दुबई ही हो सकता है फॉर लॉट ऑफ यू आई फील बट फिर भी दुबई में भी ना ऐसा नहीं मतलब आप थोड़ा सा मतलब कल्चरल आपको चेंज लगेगा ठीक है इट डिपेंड्स ऑन कि आप यू you नो know, किस मॉल में पले बढ़ो या फिर दुबई जाके ऑफकोर्स इट्स सो अपग्रेडिड इन एवरी थिंग बट ऑल्सो आपका आपके आसपास हो सकता है आपकी कम्युनिटी के लोग ज्यादा ना हो दूसरी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हो ऐसा भी हो सकता है लाइक पाइल वन में देर वॉज लाइक यू आर सराउंडेड बाई पीपल ऑफ योर कम्युनिटी बट यहाँ ऐसा नहीं है ठीक है और आपको इंटरेस्ट भी नहीं है ऑनेस्टली आप मस्त हो ठीक है इट्स एंड यू आर क्वाइट हैप्पी विद द रॉयल्टी समवेद इट अ वेरी रॉयल एनर्जी अबाउट यू ठीक है एंड बहुत पावरफुल uh, फील करेंगे आप वेर एवर यू सेटल काफ़ी लोगों के लिए ना ऐसा हो सकता है कि आपका घर जहाँ पर हो वहाँ पे लाइक डिस्टेंस तक कोई और घर नहीं है या इट्स लाइक like थोड़ा खाली 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 टाइप की जगह है इट्स नॉट वेरी क्राउडेड यू अंडरस्टैंड या नाउ लेट्स सी कि आपका घर uh, कैसा होगा लाइक होम पर्टिकुलरली सो वी हैव इन

वेरी प्राइवेट एनर्जी अबाउट योर हाउस एंड तो मुझे लग रहा है हो सकता है यू हैव मल्टीपल हाउसेस ठीक है एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं आपके हो सकता है जैसे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वाला एनर्जी रहती है थी, तो एक घर जिसमें आप रहते हो और एक आपका इन्वेस्टमेंट वाला घर हो सकता है ठीक है एंड यहाँ पर भी ना दो तरह के घर बने हुए हैं एक पैलेस बना हुआ है बहुत ग्रैंड पैलेस बना हुआ है बिग हाउस और दूसरा घर छोटा सा आइसोलेटेड सा छोटा सा कोजी सा होम बना हुआ है सो so, तो जो दो घर हैं आपके उनमें से एक हो सकता है बहुत बड़ा हो ग्रैंड हो और एक छोटा सा कोजी सा होम हो नाउ इट इज अप टू यू आप जहाँ रहना चाहते हो ठीक है एंड बट यू विल लिव विद योर नियर एंड डियर वंस इट्स नॉट लाइक योर लिविंग अ लोन बट वेरी लिमिटेड पीपल सराउंडेड बाई वेरी लिमिटेड पीपल ठीक है और ऐसा लगता है जैसे आपकी ना हमेशा कोशिश रहेगी कि मेरे घर में बेस्ट चीज़ हो बेस्ट सामान हो बेस्ट हो सब कुछ ठीक है कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में ना बहुत ज़्यादा ऐसे आ, लाइट लाइट नहीं होगी लाइक यू प्रॉब्लम अ पर्सन इज मोर एन टू डिम लाइटिंग ठीक है लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट आती नहीं इसलिए लगती थोड़ी डिम लाइटिंग थोड़ा यू नो थोड़ा खोजी माहौल आपको पसंद हैन वेरी वाइब्रेंट एनर्जी आई ऑल्सो स्ट्रोंगली फील कि यू नो आपका जो रख रखाव होगा या डेकोर होगा इट इज वेरी यूनिक लाइक यू हैव वेरी यूनिक चॉइस समथिंग विच इज़ वेरी ओरिजिनल इंडस्टिंगटिव ऑल्सो लेकिन वेरी यूनिक वेरी डिफरेंट ऑल राइट एंड uh, मुझे आपके लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके वो जो दोनों घर हैं ना हो सकता है लोगों लोग दो से ज़्यादा भी हो बट एटलीस्ट टू तो दिख रहे हैं मुझे उनमें भी लाइक दोनों के डेकोर में दोनों के साइज़ में फर्क है और दोनों के सेटअप में भी काफ़ी डिफरेंस रहेगा कहीं लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका वर्क ऐसा हो सकता है जिस वजह से आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है तो यू यू नो आप थोड़ा छोटे घरों में रहना पसंद करते हो बिकॉज यू हैव टू ट्रैवल बट देन यू ऑल्सो हैव अ बिग हाउस बैकअप में ठीक है एंड डेफिनेटली आपका जो रहन सहन लाइफ स्टाइल या एनवायरमेंट सराउंडिंग्स जो भी होंगे इट विल बी नॉट वेरी ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल बिल्कुल भी नहीं होगा और ट्रेडिशनल भी क्या जैसे मैं कहती हूँ जिस भी माहौल में आप रहे हो ना उससे एकदम एकदम फ्लिप फ्लिप हो जाएगा ठीक है एंड यू विल लाइक इट यू विल लाइक इट आई ऑल्सो सेंस कि आपके घर में हो सकता है लाइट म्यूजिक चलता हो ठीक है बट वो म्यूज़िक भी ना इट्स नॉट लाइक बॉलीवुड म्यूजिक जैसे पिछली पारि में ना लाइक वेरी बॉलीवुड एंड बॉलीवुड और पार्टी म्यूजिक बट इट्स मोर लाइक यू नो सॉफ्ट म्यूज़िक लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक लाइक ऑलमोस्ट लाइक चैज और समथिंग कुछ सोफिस्टिकेटेड टाइप का थिंग है और इवन क्लासिकल भी हो सकता है लाइक समथिंग वेरी यूनिक यू नो इट्स गिविंग मी वेरी यूरोपिन यूरोपियन विक्टोरियन काइंड ऑफ वाइब अब देखते हैं आगे मैसेजेस क्या हैं सो वी हैव वीनस बिलविड एंड प्लीस्ट सो विध वीनस आई डेफिनेटली सी लग्जरी एंड कम्फर्ट कि आप जहाँ भी सेटल हो गए बहुत लग्जरी कम्फर्ट रहेगा आपको ठीक है विथ वीनस आई ऑल्सो सी दैट कि आप लो यू विल बी लिविंग विद योर लवड वन ठीक है लाइफ पार्टनर और यू नो सम पार्टनर एंड इन अ रोमेंटिक एनवायरमेंट शायद इसलिए वो किसी और की किस जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर क्वाइट हैप्पी विद डैट पर्सन एंड uh, इसमें uh, बहुत कंफर्ट है और कहीं ना कहीं मुझे समझता कि आप लोगों का एक कंफर्ट जोन भी रहेगा कि आप लोग, लोग ज़्यादा चेंजेस करना पसंद नहीं करोगे अपने घर में राइट right? कि यू you नो know, एक कंफर्ट के हिसाब से आपने उसको सेटअप कर दिया अब वो सेटअप ऐसा ही है राइट एंड देन वी हैव प्रीस्टेस हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड हो सकता है कि यू you नो know, आप जहाँ भी सेटल हो तो आपकी कम्युनिटी में यू आर द फर्स्ट वन टू डू सो आपके आसपास कोई एग्जाम्पल नहीं है जो ऐसे जगह पे जाके रहा हो या ऐसे कल्चर में जाके रहा हो ठीक है या इस लेवल पे सेटल हुआ हो लाइक यू आर द फर्स्ट वन टू डू इट टू मेक इट हैपन एंड आपका अपना ही एक यूनिक पाथ रहेगा और अपने यूनिक पाथ को खुद ही लीड करने वाले हो ठीक है यू नॉट अ फॉलोअर बट आपको लीड करना है एंड इसीलिए आई फील दैट कि आप कहीं ना कहीं वो यूनिक पर्सपेक्टिव आपका नज़र आ रहा है ठीक है एंड आप किसी की नहीं सुनोगे बस अपने मन के सुनोगे कि अच्छा मुझे ये सही लग रहा है मुझे ये करना है मुझे ये सही लग रहा है मुझे ये करना है उस टाइप का एनर्जी यू आर अ लीडर और आपको देखकर कई लोग आपको फॉलो करेंगे कि अच्छा उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करें क्योंकि यू आर लीडिंग तो डेफिनेटली फॉलोअर्स भी हैं ठीक है इवेंचुअली द रेस्ट ऑफ द पीपल विल फॉलो यू यू नो कई लोग हो सकता है इजिप्ट में भी रहते हो आई स्ट्रोंगली फील सो बिकॉज इजिप्ट इज ऑल्सो वेरी यूनिक प्लेस ना एंड उसमें भी डेजर्ट है और यहाँ पे वो लाइक एन इजिप्शियन ठीक है या बट या समथिंग वेरी यूनिक समथिंग वेरी डिफरेंट यू नो बट द गुड पार्ट इज़ दैट यू विल लाइक इट यू विल बी इन योर कम्फर्ट लग्जरी वो आपकी चॉइस होगी इट्स नॉट इवन लाइक हाँ चॉइसिस से मुझे भी लग रहा है इट्स नॉट लाइक डेस्टनी इज़ पुलिंग यू इन दैट डायरेक्शन आपने वो चॉइस मेक किया अपने लिए क्योंकि आपको लगा वो आपके लिए बेस्ट है राइट right? अपने इंटूशन को ट्रस्ट करते हुए इनर वॉइस को ट्रस्ट करते हुए सो दैट इज हाउ यू कुड मेक अ डिसीजन और आपको हैंगमैन से भी मुझे लगता है यही मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस ना हो के अपने यूनिक पर्सपेक्टिव को यू कैन ट्रस्ट बिकॉज वो आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन खोलेगी चीज़ ऑल राइट लेट्स सी कि चार्म से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फाइव टू मैसेजेस फ्रॉम द चार्मेर इट सो वी हैव ड्रीम सो ड्रीम मतलब ड्रीम कम थ्रू रहेगा आपके लिए जहाँ भी आप सेटल होगे हो सकता है वो जगह आपने अपने ड्रीम्स में देखी भी हो ठीक है एंड यू हैव अ ड्रीम ऑफ सेटलिंग इन दैट प्लेस एंड वी ऑल्सो हैव अ वेरी गुड स्टेटस लाइक एनर्जी कि आपका बहुत अच्छा स्टेटस रहेगा जहाँ भी आप रहोगे एंड देर इज लव सो डेफिनेटली लव इज़ ऑल्सो देर यू विल बी आप अपने लव के साथ सेटल हो गए द पर्सन यू लव एंड रोमांटिक जगह भी हो सकती है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी वी ऑल्सो सी मून्स सो आई गेस द नाइट्स विल बी क्वाइट प्लेजेंट जहाँ भी आप रहोगे नाइट टाइम अच्छा रहेगा ओके वेरी नाइस एंड एंजल्स भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर सो लॉट्स ऑफ ब्लैसिंग्स वी डेफिनेटली यहाँ पे भी पेयर ऑफ लीवस पेर ऑफ फ्लावर्स है आप में कभी लोग के लिए समझ सकते हैं बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ मून एंड स्टार्स की जहाँ भी आप रहो वहाँ पर नाइट लाइफ काफी अच्छी हो जहाँ पे आप सेटल हो वी ऑल्सो है स्नो फ्लेक स्नो भी हो सकती है वहाँ पर या yeah. इजिप्ट में स्नो नॉट पॉसिबल और यू नो द स्नो कैन इवन टॉक अबाउट कोल्ड एनर्जी कि इतने वार्म लोग नहीं है वहाँ पर टेम्परेचर वार्म है बट लोग वार्म नहीं है हाँ एंड वी ऑल्सो हैव मास्क मुक्कुट है यहाँ पर आई फील दैट कि कहीं ना कहीं लेकर सेट कि आप ना अपने पर्सनल लाइफ या उसके बारे में ना पर्सनल उस लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी को बताओगे नहीं और ना ही किसी को पता होगा कि आपका पर्सनल क्या है सिनेरियो और ये फिर आप ख़ुद कैसे ऑज अ पर्सन लाइक यू ऑलमोस्ट लाइक पुटिंग अ मास्क ऑन की एक यू नो बाहर से प्रोटेक्शन के लिए एंड और मास्क ये भी दिखाता है यू नो कि एट अ पॉइंट हो सकता है यू माइट इवन ट्राई टू फिट इन क्योंकि आप जैसे माहौल से आए हो उससे बहुत अलग है वहाँ का कुड कल्सो बी इट मे डू हैव हार्ट की नो कि आप दिल से काफ़ी खुश हो गए काफ़ी सेटल्ड हो गए मन से ठीक है एंड मुझे लगता है कि आपको अपने ड्रीम्स को जरूर फॉलो करना चाहिए इट्स ऑल्सो लाइक कि आपका जो ड्रीम पाथ है या ड्रीम uh, इट विल कम ट्रू एंड यू should डेफिनेटली आपको अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए लाइक like, लिटरली भी आपकी ड्रीम्स में कुछ आपको मैसेजेस आ सकते हैं जिनको आप फॉलो करना चाहिए बिकॉज वो आपको उधर लीड करेगा बट आपके जो वैसे भी सपने हैं सपनेज एन जो आपके ट्रू हार्ट डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनको आपको ज़रूर परसू करना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए सही हैं और उन तक आप बिल्कुल पहुँच पाएंगे यस yes. और यहाँ पर ना आ, बहुत सारी वेजिटेबल्स नज़र आ रही मुझे तो सकता है आप जहाँ रहो वहाँ पे काफ़ी वेजिटेबल्स मिलते हो वेरी मच पॉसिबल एंड मतलब वेजिटेबल्स तो ठीक है हर जगह मिलते हैं बट वहाँ पर काफ़ी वेराइटी हो यस yes? यहाँ पे जिन्नी का कप भी है यू नो इट इज़ वेरी मच गिविंग मी द मम्मी वाइब्स ठीक है इजिप्शियन वाइब बहुत ज़्यादा इजिप्शन वाइब है सो दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल टू आई होप मैसेजेस डोनेट किए आपके साथ हेल्प किए मैसेजेस प्लीज लाइक शो सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम हम मिलेंगे अगली बार वो न्यू वीडियो लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू बाय पाइल थ्री चुना है द क्लियर क्वार्ट्स लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वेयर विल यू सेटल फ्रॉम द टैरो डेक सो वी हैव द द दैरोफांड द हाई प्लिस्टर्स एंड द सन वाओ wow, एक तो चारों मेजर कान हैं वेरी नाइस nice एनर्जी देखो कई लोगों के तो मुझे लग रहा है कि आप वहीं सेटल हो गए जहाँ आपकी फैमिली है ठीक है जहाँ आपके रूट्स हैं जहाँ पर आप पले बड़े हो ठीक है बिकॉज इट्स वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ एनर्जी एंड कई लोग का आई ऑल्सो फील दैट कि आप अपने एनसेस्ट्रल होम में ही रहोगे ठीक है सेटलमेंट एनसेस्ट्रल होम Kind of home, uh, very, और एनी काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल होम ठीक है बिकॉज इट्स वेरी एनर्जी इज़ वेरी ट्रेडिशनल और जहाँ भी आप रहोगे लाइक आपकी कम्युनिटी वाली जगह ही है वो अपनी कंट्री में रह रहे हो एंड uh, बहुत हाई स्टेटस प्लेस है हाई स्टेटस मतलब वो जो भी जगह ना उसके उसका बहुत रुतबा है बहुत स्टेटस है बहुत फेमस है बहुत मानी हुई जगह है बहुत रिप्यूट जगह है जहाँ भी आप रह, रह रहे हो काफ़ी रिप्यूटेड लाइक जगह है ठीक uh, uh, है विद एंड काफ़ी कल्चर्ड जगह है या द वर्ड इज़ कल्चर्ड वेरी वेरी कल्चर्ड स्पेस ठीक है प्लेस या जहाँ भी आप सेटल हो रहे हो ट्रैवल रह सकता है बिकॉज वैसे तो द सन दस नॉट शो ट्रैवल बट यहाँ पर वो बोट में ट्रैवल कर रहा है मुझे ऐसा लगता है कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप वैसे ट्रैवल करते रहते हो टू एंड फ्रो बट आपका सेटलमेंट जो है वो आपके अपने ट्रेडिशनल नेटिव प्लेस में ही है और समवेयर वेयर देर इज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चर है ठीक है हाँ और आप कल्चरली फिट uh, हो रहे हो आप कल्चरली कंफर्टेबल हो वहाँ पर ऐसी जगह पर ठीक है एंड चाहे आपका और मतलब ऐसी भी जगह है जहाँ पर आपके जो फादर हैं उन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है ठीक है अब कई लोग ऐसा हो सकते हैं कि उनके फादर अब्रॉड में ही उन्होंने अपना सेटअप किया तो ठीक है लेकिन आपके आसपास आपके कल्चर के आपके कम्युनिटी के लोग हैं ठीक है और काफ़ी वेल बिल्ड कम्युनिटी है ऐसा नहीं है कि बस हवा में सोशलाइज कर रहे हैं और आप अपनी रूट से बिल्कुल कनेक्टेड हो आप अपनी रूट्स को नहीं छोड़ रहे हो ठीक है बहुत ही ज़्यादा रूटेड ग्राउंडेड ट्रेडिशनल एनर्जी है एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जहाँ भी रहोगे हो कई लोगों of के लिए आई ऑल्सो फील डेट यू लिव इन अ प्लेस वेर देर ऑफ़ गवर्नमेंट ऑफिस और गवर्नमेंट ऑफिशल्स के आसपास रहते हो ठीक है या तो आप खुद ऐसे होने वाले हो कि आप यू ना जैसे तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स गवर्नमेंट हाउस दे देते हैं या अ प्लेस वेयर जहाँ पर सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट वाले लोग रहते हैं यू नो डैट कर आपकी कम्युनिटी के लोग बेसिकली आपके मिलते जुलते स्टेटस एक आपके हिसाब के लोग वहाँ रहते हैं कि अगर आप सपोज़ यू आर यू नो क्या बोलो सपोज यू आर सपोज आप जो भी आपका रिलीजन है ठीक है सपोज आप सिख हो तो आपके आसपास बहुत सारे सरदार फैमिली सिख फैमिलीज रहती हैं ठीक है ठीके? या फिर इवन प्रोफेशनली भी हो सकता है कि आप सपोज ये ना गवर्नमेंट जॉब तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं ठीक है गवर्नमेंट सर्विस वाले ही हैं तो ऐसा टाइप का एनवायरनमेंट वहाँ पर रहने वाला है आप ऐसा टाइप के जगह पर आप रहोगे बट इट्स डेफिनेटली वेरी गुड स्टेटस प्लेस ठीक है हालांकि विद हाई प्रिस्टर्स आई फील दैट कि द इज नॉट मच ऑफ सोशलाइजिंग ठीक है थोड़ा सा लोग अपने लाइफ में प्राइवेट ही रहते हैं या फिर एटलीस्ट आप थोड़ा प्राइवेट ही रहोगे आई मीन अगर आप सोशलाइज भी करो तो इट्स नॉट लाइक इनफॉर्मल सोशलाइजिंग बट मोर ऑफ अ फॉर्मल सोशलाइजिंग एनर्जी जैसे फर्स्ट फाइल में थोड़ा इनफॉर्मल यू नो फन एनर्जी था यहाँ पर इट्स मोर लाइक यू नो मोर तमीज़ तहजीब एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल काइंड ऑफ एनर्जी कि कुछ ट्रेडिशनल इवेंट्स के लिए लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं तो यू you नो know, एक फॉर्मली इकट्ठे हो रहे हैं इट्स नॉट लाइक किस इन इनफॉर्मल इवेंट में इनफॉर्मली सब अपना अपना प्राइवेट लाइफ में ही कंफर्टेबल हैं यू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो आई डोट स्ट्रांगली फील कि जहाँ भी आप रहोगे वहाँ पर काफ़ी वेल well एजुकेटेड लोग रहेंगे ठीक है वेल एजुकेटेड well भी कह सकते हैं या लाइक like ऐसे कि पीपल हु आर वेरी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी ठीक है आई दर वे एंड बट डेफिनेटली विद द एम्पर आई फील दैट कि काफ़ी अच्छा सेटल काफ़ी सॉलिड सेटल हो गया काफ़ी सॉलिड मतलब रूट्स काफ़ी स्ट्रोंग है फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रोंग है कि आपको कोई हिला नहीं सकता वहाँ से आप पक्के हो वहाँ पर ठीक है ऑथेंटिक ऑथेंटिकली यू आर लिविंग ओवर दैट प्लेस ठीक है और नो वन कैन क्वेश्चन यू अबाउट इट एंड विद द हेयरफान एंड हाई प्रीस्टेस दोनों ही एनर्जी इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यू नो आप मन से भी सेटल्ड हो एंड लोगों की एक्सेप्टेंस भी आपको काफ़ी मिली हुई है वहाँ पर कि लोग आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं जो आप यू नो एक्सपेक्ट करते हो और डिजर्व करते हो ठीक है एंड द सन ऑल्सो शोज अ वेरी हैप्पी हैप्पी एंड ब्लिसफुल जॉयफुल एनर्जी कुड बी पार्क्स अराउंड पार्क्स हो सकते हैं काफ़ी आपके घर के आसपास ठीक है एंड हो सकता है कोई स्कूल भी हो बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ नॉलेज काइंड ऑफ एनर्जी स्कूल हो सकता है घर के आसपास स्कूल और अ टेम्पल या स्कूल और अ टेम्पल बट द हाउस इज गोइंग टू बी क्वाइट कम्फर्टेबल क्वाइट कोजी आई फील ठीक है उसके बारे में हम और भी डिटेल्स देखेंगे ऑफकोर्स आके एंड कई लोगों के लिए आई ऑल्टो फील दैट कि जो आप सेटल हो रहे हो ये सेटलिंग डाउन ये जो आपकी सेटलमेंट है ये आफ्टर मैरिज आ रही है ठीक है मैरिज के थ्रू आ रही है ठीक है मेल और फीमेल जो भी दोनों के लिए मैसेज है तो एनर्जी ना मतलब बहुत पावर नज़र आ रही है सो प्रॉबली यू नो जहाँ भी आप सेटल होते हो यू विल हैव अ लॉट ऑफ पावर कई लोगों के लिए मुझे सिर्फ मिलता कि जैसे कई बार ये होते हैं कि वो सोसाइटी का लीडर uh, बना देते हैं टाइप ऑफ एनर्जी ठीक है तो उस टाइप का एनर्जी भी हो सकता है कि आप वो सोसाइटी इलेक्शंस में खड़े हो और आपको लीडर बना दिया जाए या बिकॉज क्वाइट एट अ गुड पोजिशन या वेर सेटल्ड नॉलेज से कि आपके लिए मतलब आपका घर कैसा होगा वॉट विल यू यूर होम लाइक सो वी हैव वी हैव थ्री कार्ड्स एक्चुअली वी हैव चिल्ड्रन वी हैव ड्रैगन एंड वी हैव नॉलेज वाओके सो यहाँ भी बुक बनी हुई है सो डेफिनेटली आपके घर में लाइब्रेरी बनी हो ठीक है और यू हैव अ स्पेस आपके घर में बहुत बुक्स हैं ठीक है या फिर जैसे कि मैंने कहा कि घर के आसपास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज कुछ है ठीक है बट या घर में भी आई फील लाइब्रेरी हो सकती काफ़ी लोग घर में या सो अगेन ना इन स, इन तो दोनों कार्ड्स को देखो अगेन द एनर्जी इज़ वेरी एंशेंट लाइक एंशेंट विंटेज एंड यू नो इट्स वोज गिविंग मी ड्रैगन से तो मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स वाइब आ रही है तो गेम ऑफ थ्रोन्स वाई गेम ऑफ थ्रोन्स में भी जैसे वो कासल बने होते हैं पुराने कासल बने होते हैं ठीक है सो so, उस टाइप की एनर्जी है एंड आई ऑल्सो फील कि यू नो यू कुड वी वेरी मच इन टू लाइक वुडन फ्लोरिंग अ लॉट ऑफ यू वुडन फ्लोरिंग एंड यू नो कासल लाइक स्ट्रक्चर्स समथिंग विच इज़ ग्रैंड कुछ ग्रैंड बट एंशंट टाइप ठीक है और मुझे ये भी लिखता है कि आप लोग नो दैट योर चिल्ड्रेन आर प्रोटेक्टेड सो आपका जो घर होगा ना वो बहुत प्रोटेक्टेड होगा हो सकता हो है आपके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड हो या और द एरिया इस तरह जहाँ पर बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है ठीक है या फिर फेंसिंग लगी हुई है आपके घर के आस पास सो यू नो दैट यू गाइज आर प्रोटेक्टेड एंड यू कोड इवन हैव पेट्स पेट्स हो सकते हैं आपके आस पास ठीक है एंड यू विल हैव चिल्ड्रन येस और आपको अपने चिल्ड्रन की सेफ्टी की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी एंड सेफ्टी इज़ नॉट जस्ट लाइक फ़िज़िकल सेफ्टी बट ऑल्सो मेंटल सेफ्टी क्योंकि आपको पता है कि आसपास जो माहौल है या जो उसके फ्रेंड्स बनेंगे आपके बच्चों के वो भी मतलब uh, सब आपके यू नो हिसाब के लोग हैं आपके कम्युनिटी uh, के लोग हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं अबाउट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज़ वेल ठीक है Uh, तो बारी नहीं तो कई बार ये थोड़ी टेंशन नहीं है कि यू you नो know, uh, सही संगत में है या नहीं है यू you नो know, तो उसका आपको सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ ये सही संगत में है राइट एंड नॉलेज से मुझे लग रहा है कि यू you नो know, यहाँ पर इस लाइक कि आस पास सब लोग सोशलाइज कर रहे हैं सब मिलजुल रहे हैं पर वो लड़की चुपचाप बैठ के अपनी किताब पढ़ रही है सो आई फील दैट इन्वायरमेंट होगा सोशलाइज़ करने का बट कहीं ना कहीं आप ऐसे हो गए कि आप थोड़ा अपने में मस्त रहना अपने में थोड़ा अपने पर्सनल स्पेस में रहना पसंद करते हो कुछ लोगों से ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है दैट यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली इन्वायरमेंट ठीक है फॉर सम ऑफ यू फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल जॉइंट फैमिली इन्वायरमेंट बट जॉइंट फैमिली इन्वायरमेंट में भी यू हैव योर पर्सनल स्पेस जॉइंट फैमिली इन्वायरमेंट नहीं है सो फिर भी बाहर के लोग सोशलाइज करते हैं, बट आप थोड़ा अपने पर्सनल स्पेस में रहते हो सिंस इट इज़ अ जनरल रीडिंग तो एक और एस्पेक्ट है इसको देखने का कि आई फील एट कुछ लोगों के लिए ऐसा an तो हो सकता है इफ़ यू डू नॉट हैव एन एंसेस्ट्रल होम और प्रॉपर्टी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट तो ऐसा हो सकता है कि आप जो घर बिल्ड करो उसमें आपकी आने वाली जनरेशन ज़रूर रहेंगी कि आपने uh, उनके लिए एक स्टैंडर्ड या एक सिक्योरिटी बिल्ड करती ऐसा भी हो सकता है ठीक है एंड विद ड्रैगन आई फील दैट कि आप यू नो इट आल्सो इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ एंड एकम्पलिशमेंट मुझे लग रहा है आप जहाँ भी सेटल हो गए आप जिस तरह से अपना सेटलमेंट uh, करोगे यू विल एक वो भी आपके लिए सेटल शमेंट का बेंच मार्क प्रूव करेगा एंड यू विल ऑल्सो यू नो समवेयर अपनी जो फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन पे आप यू you नो know, ज़्यादा कोई सोच भी जैसे कि यू नो यू हैव टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर फैमिली तो आप उसको जरूर पूरा करेंगे एंड अगर मैं डेकोर की बात करूँ घर के तो आई फील दैट कि घर का डेकोर इट्स नॉट लाइक वेरी कलरफुल अगेन इट्स वेरी विंटेज ठीक है आई फील दैट एक तो मुझे वुडन वुड वुड नजर आ रही है एंड आई फील दैट इट विल बी मोर सटल और आई फील इट विल बी मोर लाइक यू नो एंटिक स्टफ एंटिक स्टफ हो सकता है या फिर वुडन uh, वर्क मैंने बोल दिया इट अगेन एंड अगेन आई नो ठीक है एंड देर कुड भी लाइक यू नो आई नो आव मैंशन जयपुरी स्टव बिफोर बट वो थोड़ा कलरफुल कॉन्टेक्स में था आई वुड से राजस्थानी बट राजस्थानी में क्यों कह रही हूँ बिकॉज यू नो वहाँ पे फोर्ट्स होते हैं तो थोड़ा लाइक फोर्ट काइंड ऑफ एनर्जी जैसे फोर्ट्स होते हैं बट ऐसे लगता है जैसे द बिल्डिंग विल बी लाइक एन ओल्ड कंस्ट्रक्शन ठीक है इट्स नॉट लाइक अ मॉड्यूलर हाउस ठीक है लाइक अ न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस लेकिन uh, उसमें फैसिलिटीज़ पूरी होंगी ऑफकोर्स बट इट्स नॉट लाइक अ न्यू न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा इट विल बी विंटेज इट विल बी एंशेंट ठीक है ओल्ड स्कूल नॉट मॉडर्न आई वुड से ठीक है हो सकता है कई लोग आर ऑल्सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो वो वेरांडा वाली कॉन्सेप्ट में हो जैसे आजकल लोग प्रेफर लिव इन स्काईस्क्रेपर्स एंड यू नो फ्लोर्स में तो यू कुड हैव हाउस विच इज़ यू नो पूरा एक बंगलो टाइप का घर हो सकता है या फिर ऐसा घर जो कि थोड़ा ओल्ड कंस्ट्रक्शन का जो कि चाहे फ्लोर है बट ओल्ड कंस्ट्रक्शन में नॉट न्यू कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट यू अंडरस्टैंड ऐसा टाइप का होगा वी हैव एडिशनल मैसेज So we have eighth हाउस मिस्ट्री प्लूटो rebirth, and inner temple. ओके तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है आप अपने किसी एंशंट घर को थोड़ा रीबिल्ड करो ठीक है तो स्ट्रक्चर उसका वैसा ही है बट आप उसको रेनोवेट करा के उसमें चेंजेस करा के उसको अपने हिसाब का बना सकते हो एंड मिस्ट्री इज़ टॉकिंग अबाउट कि कई लोगों के लिए अभी तक वो चीज वो घर रिवील नहीं हुआ है इट इज़ अ मिस्ट्री you and i also see that ki again you know there's skull and there's this ancient rings i'm not saying that skull is quite ancient or pleasing to the eye it's not but rings the cream which is me okay so it's almost like very uh, antique 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 energy aare, an antique vibe and after jo uh, i also see that key ऐसा हो सकता है कि आप जिस एरिया में रहो ना जहाँ भी आप सेटल हो वो इट्स नॉट लाइक कि वो हमेशा से ही बहुत वेल well रिकग्नाइज था बट वो हो गया ओवर द टाइम ऐसा टाइप का एनर्जी कि उसका एक रीबर्थ हुआ उसमें कुछ चेंजेस आए एंड देन यू सेटल्ड ओवर देयर बट मुझे बहुत लोग लग रहा है कि आपकी कोई एंसेस्ट्रल लाइन का कुछ कनेक्शन है आपके जेनरेशन लाइन का कनेक्शन है उस जगह से जहाँ पर आप सेटल हो गए या तो पीछे के जनरेशन या आगे के जनरेशन और बोथ स्ट्रोंगली फील दैट स्ट्रोंगली एंड देन वी हैव इनर टेम्पल सो यार लाइक आई सेट कहाँ पर टेम्पल हो सकता है आपके घर के आसपास ठीक है और घर में भी हो सकता है यू हैव अ बिग ब्यूटिफुल टेम्पल इनर टेम्पल से मुझे भी लगता है कि uh, लेक अड वेरी कल्चरल वाइफ जहाँ भी आप सेटल हो गए यू विल भी वेरी कनेक्टेड टू यूअर रूट्स द कल्चर एंड द ट्रेडिशंस चाहे आप थोड़ा दूर ही हो क्योंकि यहाँ पर ट्रेवल भी है पर फिर भी वो ट्रेडिशन आपके साथ है वेरी मच अ लाइव विद यू एंड आप रेगुलरली काफ़ी पूजा पाठ काफ़ी यू नो डिवोशन रहता है आपका एंड कुछ लोगों के लिए ना तो ऐसा भी हो सकता है कि uh, लाइक like, आप किसी एक दिस लाइक दिस प्लॉट ऑफ लैंड जो कि आपकी एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है एंड यू रिकन्स्ट्रक्टेड कम्प्लीटली ठीक है उस पर पूरा घर बना के एंड देन यू स्टार्ट स्टेइंग इन इट ठीक है ऐसा भी हो सकता है या yeah, स्टेइंग भी नहीं कर रहे हो बट यू हैव केप्ट फॉर योर सेल्फ ऐसा भी हो सकता है या फिर आप अपने वैसे भी घर में ना उसको पूरा रेनोवेशन करा के फिर उसमें रहो लेकिन एक उसका जो आ, एक उसमें फिर भी वो एक ऐसा नहीं है कि वो पहचान में ही नहीं आएगा यू अंडरस्टैंड उसमें एक वो टच वो ट्रेडिशनल टच वो एंशेंट टच उसमें रहेगा फिर भी यस सो दैट वाज ऑल फ्रॉम योर कार्ड्स नाउ लेट्स सी के आपके चार्स से क्या मैसेजेस हैं सो पायल थ्री सी चार्ज से क्या मैसेजेस हैं वेयर विल यू सेटल राइट सो अगेन यू नो वी हैव दिस ट्री तो मुझे लग रहा है फैमिली ट्री एनर्जी तो फैमिली के रूट से आप डेफिनेटली अपने कनेक्टेड रहोगे ठीक है एंड वी आल्सो हैव म्यूजिक वी हैव अ लॉट ऑफ म्यूजिक ओवर है सो आप काफ़ी म्यूजिक घर में काफ़ी म्यूजिक चलता रहता हो लाइक स्पेशली लाइक आर और मेडिटेशन म्यूजिक ठीक है वी ऑल्सो हैव एंकर एंकर से मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं कनेक्टेड टू योर रूट्स एंड वी ऑल्सो हैव दिस केज केज से मुझे कहीं ना कहीं बहुत प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्शन एनर्जी नजर आ रही है कहीं ना कहीं आई फील था कि आप अपने एल्डर्स के साथ रहोगे तो जब आप एल्डर्स के साथ रहते हो तो यू यू नो है दिस प्रोटेक्शन शील्ड ओवर यू एंड ऑल्सो वी हेर द सेफ्टी पेंड यू क्वाइट सेफ फीलिंग सेफ and we have keys we have two keys can okay, locally i have two houses two homes okay and uh, what else do we have status to again upon another rs status and a uh, uh, reputation a good reputation now we also have the आई फिल टावर ना आई फिल टावर से ना मुझे दो में एक तो यस ट्रैवल डेफिनेटली कि आपका एक घर अब्रॉड भी हो सकता है दूसरा मैसेज मुझे लग रहा है कि योर घर कुड़ बी लाइक अ टावर टॉल हाई हाई रूफ हाई बिल्डिंग हाई बिल्डिंग मतलब लेकिन uh, बट like फिर भी उसमें लाइक अ सेट वो मैसेज फिर भी एक दट देर इज इन एंड टच टू दाउस आई नीड मोर मैसेजेस मोर मैसेजेस फॉर पाइल

and uh, very stable energy feeling emotionally feeling emotionally secure ki jahan bhi aap settle hoge you feel emotionally secure or uh, हाँ, protected emotionally secure and protected and what else do we have मुझे ऐसा भी लग रहा है कई लोगों के लिए ना जहाँ भी आप रहोगे वहाँ पे आप बहुत memories बिल्ड करोगे एंड उनको रिकॉर्ड भी करोगे एंड कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है यू नो लाइक इफ़ यू लिव इन एन जैसे आप किसी ऐसे घर में रहते हो जो कि बहुत पुराना है जहाँ यू ना पले बड़े हो तो लाइक like आप कहीं भी किसी भी जगह पर बैठते हो तो इट इज़ लाइक दिस फ्लैश बैक ऑफ मेमरीज दैट यू गो थ्रू ठीक है तो उस टाइप का एनर्जी रह सकता है ठीक है कहीं लोगों के लिए यू को इवन भी ऐसा भी हो सकता है यू you नो know, कि आप सपोज आप एक जगह पर रहते थे ठीक है देन यू ट्रैवल 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 एंड देन यू एंड देन यू कम बैक टू दैट प्लेस आप उसी जगह पर वापस आ जाते हो नॉट पर्टिकुलरली द सेम हाउस ठीक है बट वो एरिया वो लोकेलेटी या वो कम्यूनिटी में आप वापस आ जाते हो कई लोगों के लिए ये बहुत यू नो मैच हो सकता है मैसेज या सो आई गेस दैट वॉज ऑल्फो यू पाइल थ्री आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प की मैसेजेस जनेट किए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम हम मिलेंगे अगली बार वेद न्यू वीडियो लॉट्स ऑफ लव लेम लाइट यू बाय